हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपकी रसोई विद सीमा चैनल पर। इन दो चीज़ों से हम बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी नाश्ता बनाने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ मैंने दो आलू लिया है और इसे हमने छील लिया है, और छीलने के बाद हम इसे ग्रेट करेंगे। ग्रेट हमें पानी में ही करना है जिससे आलू का कलर चेंज ना हो। तो चलिए दोनों आलूओं को हम इसे ग्रेट कर लेंगे, और इसे मैंने बड़े वाले छेद से ग्रेट किया है। छोटे वाले छेद से ग्रेट कीजिएगा तो ये अच्छे से ग्रेट नहीं हो पाएगा। ग्रेट करने के बाद हमने इसे 2 से 3 बार इसे पानी में धो लिया है। इस आलू को हमें 2 से 3 बार इसलिए धोना है जो आलू में स्टार्च होता है वो पानी धोने से निकल जाए आलू का। इसे आप बच्चे को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, और ये सुबह या शाम में नाश्ते में भी तैयार कर सकते हैं। अब चलते हैं, आलू यहाँ हमने तैयार कर लिया है। नाश्ते को बनाने के लिए हमने एक प्लेट में जीरा, चिली फ्लेक्स, ग्रेट किया हुआ अदरक और स्वाद अनुसार नमक लिया है। और यहाँ मैंने बारीक वाली सूजी लिया है, आप यहाँ मोटे सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हमने आलू को भी ग्रेट कर लिया है। अब एक कढ़ाई लेंगे और इसमें सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ा सा तेल, और इन सारी सामग्री को हम इसमें डालकर 1 मिनट के लिए भून लेंगे। वो मुझसे छूट गई थी, इसकी वजह से मैंने ऊपर से इसमें तेल डाला है, जिससे इसका डो बहुत ही सॉफ्ट और नरम बनकर तैयार होगा। और फिर इसमें हम 1 कटोरी पानी डाल देंगे। यहाँ मैंने 1 कटोरी सूजी लिया है, तो इक्वल ही मैंने 1 कटोरी पानी लिया है। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद जो हमने आलू को ग्रेट किया है तो इसी जगह पे हम आलू को भी डाल देंगे, और दोनों को हम मिक्स कर लेंगे। अब इस आलू और सूजी को हमें तब तक भूनना है जब तक ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए और इसका सारा पानी सूख ना जाए। और इसे मिक्स करने के बाद इसे हमें 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देना है, जिससे सूजी अच्छे से फूल जाएगी। तो इसे मिक्स करने के बाद इसे हम रेस्ट पर रख देंगे, और देखिए इसी तरह से हमें इसका डो बनाकर तैयार करना है। और इसके साथ खाने के लिए एक चटनी तैयार करेंगे, और ये चटनी भी बहुत ही टेस्टी बनती है। ना इसे पकाना है और ना ही इसमें कोई तड़का डालना है, फिर भी ये चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ मैंने मिक्सी जार में 2 टमाटर लिया है और उसे कट कर लिया है, और ये कश्मीरी लाल मिर्च को मैंने गर्म पानी में डाल दिया था जिससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। और इसमें 1 लहसुन की कली डाली है और थोड़ा सा जीरा डाला है, और इसे हम फाइन पेस्ट की तरह इसे पीस लेंगे। और ये चटनी बनकर तैयार हो गई है सेकेंडों में, और देखिए चटनी का कलर और टेक्स्चर बहुत ही अच्छा आया है। और इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये नाश्ते के लिए ये चटनी बहुत ही अच्छी बनी थी, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मैं 2 बार बोल दी क्योंकि फ्रेंड्स ये वाकई में चटनी बहुत ही अच्छी बनी थी। अब जो हमने डो तैयार किया है उसे हम ठंडा होने के लिए रख दिया था, वो ठंडा हो चुका है। अब इसे हम एक बार मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा तेल और इसे एक बार और मिक्स कर लेंगे। अब ये डो बिल्कुल तैयार है इस नाश्ते के लिए। तो यहाँ हम थोड़ा सा पार्ट निकालेंगे और इस तरह से गोला कर लेंगे, और गोला करने के बाद इसके बीच में हम छेद कर देंगे उंगलियों से, जिससे ये वड़ा बन जाए। बिल्कुल हमें वड़ा की तरह ही इसे शेप देना है, दोनों साइड से इसे इस तरह से कर लेना है, और ये हमारे वड़े बनकर तैयार हो गए हैं। चलिए अब इसे हम फ्राई करते हैं। तेल को हमें मीडियम फ्लेम पर ही गर्म करना है, जिससे ये नाश्ते ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनेंगे। तो इसे मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई कर लेते हैं। दोनों साइड से हमें इसे फ्राई कर लेना है, और इसे हमें बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, इसमें हल्का सा कलर आ जाए। देखिए इसमें इस तरह से कलर आना चाहिए, जब इस तरह से कलर आ जाए तो फिर हम इसे पलट देंगे, जिससे दोनों साइड से ये अच्छे से पकेंगे। तो ये अंदर में बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। सारे वड़े को हमने फ्राई कर लिया है। यहाँ मैंने एक थोड़े ब्राउन कलर में बनाया था और एक हल्के कलर में, ये दोनों ही बहुत अच्छे बनकर तैयार हुए थे, और जो ब्राउन वाला है वो बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ था। तो आप दोनों ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे सारे वड़े बनकर तैयार हो गए हैं, और हमारी चटनी भी बनकर तैयार हो गई है। और ये नाश्ते की रेसिपी कैसी बनी है हमें कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।